नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राशन कार्ड के बारे में। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछे थे कि सर, हमने जो है जीविका के द्वारा राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था, लेकिन हमारा जो है लिस्ट में नाम नहीं आया है, हमारा जो है राशन कार्ड नहीं बना है, तो हमें जो है हमारा राशन कार्ड किस प्रकार से मिलेगा या फिर हमारा जो है नया राशन कार्ड किस प्रकार से बनेगा। साथ में यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमें जो है नया राशन कार्ड बनवाना है, तो क्या अभी राशन कार्ड के लिए आवेदन हो रहा है? अगर आवेदन हो रहा है तो किस प्रकार से हमें जो है आवेदन करना होगा। साथ में दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो जीविका के द्वारा राशन कार्ड के लिए आवेदन करवाया था, आवेदन दिया था, और उनका जो है यहाँ पे राशन कार्ड बनकर आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों का नाम वहां पे गलत थे या फिर जो है बहुत सारे फैमिली मेंबर का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। कई कई तो राशन कार्ड में ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही मेंबर का नाम है, बाकी चार पांच जितने भी फैमिली मेंबर हैं किसी का भी नाम जो है राशन कार्ड में नहीं जोड़ा गया है। तो हमें जो है किस प्रकार से यहाँ पे अपना राशन कार्ड में सुधार करवाना है, हमारा जो है फैमिली मेंबर का नाम किस प्रकार से जुड़वाना है, तो आज के इस वीडियो में मैं दोनों चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ में आपको जो है यहाँ पे फॉर्म भी प्रोवाइड करवा दूंगा और साथ में बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, जिससे कि आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो जीविका के द्वारा राशन कार्ड बनाया गया है उसके बारे में। बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे जीविका के द्वारा राशन कार्ड बना था, इसमें जो है बहुत सारा गड़बड़ी सामने आ रहा है। यहाँ पे आपको मैं एक पेपर कटिंग दिखा देना चाहता हूँ जो कि आज ही का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राशन कार्ड में गड़बड़ी पर हंगामा हो क्या रहा है दोस्तों, कि बहुत सारे लोगों ने जो है राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था, उनका राशन कार्ड जब उनके पास आ रहा है तो उनके फैमिली मेंबर का नाम ही उसमें नहीं जुड़ रहा है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया कि लाभार्थी महिला का आरोप था कि उनके घर में परिवार की संख्या अधिक है, लेकिन अधिकतर कार्ड में एक या दो चढ़ा हुआ है, साथ ही कई लोगों का कार्ड में भी नहीं मिला है, जिससे इन्हें बहुत परेशानी हो रही है। आप दोस्तों यहाँ पे बता दें कि ये जो है प्रॉब्लम बहुत ही पहले से शुरुआत हो चुका था। बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पे बताया था कि हमारे जो राशन कार्ड तो बन गया लेकिन हमारे फैमिली मेंबर का नाम उसमें नहीं है, यानी एक या दो लोगों का नाम आया, बाकी लोगों का नाम वहाँ पे छूट गया है, वहाँ पे नाम जो है नहीं जोड़ा गया। किसी का जो है एक ही लोगों का नाम आया, एक ही लोग के नाम पे जो है यहाँ पे राशन कार्ड बना है, बाकी किसी भी फैमिली मेंबर का नाम उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जो है प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आ रही थी जो है जीविका की तरफ से जो राशन कार्ड बना था उसमें। तो यहाँ पे जो बिहार सरकार ने अभी जो है फिर से आवेदन के लिए शुरुआत कर दिया है, यानी कि अगर आपका फैमिली मेंबर का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका फैमिली मेंबर का नाम नहीं जुड़ पाया, तो आप जो है अभी उसे सुधार करवा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर का नाम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस होने वाला है दोस्तों, अभी फिलहाल जो है ये ऑफलाइन प्रोसेस ही होने वाला है। किस प्रकार से ये प्रोसेस होने वाला है इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पे दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे फिर से आवेदन लिया जा रहा है वैसे राशन कार्ड का जिनका जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया है, जो कि नए राशन कार्ड बने हैं और उनका जो फैमिली मेंबर का नाम नहीं जुड़ा है या फिर जो है किसी भी प्रकार का नाम में गलती आ गया है, तो वो जो है अभी सुधार करवा सकते हैं। उनके लिए जो है यहाँ पे RTPS काउंटर खोल दिया गया है, वो लोग जो है अपना पात्रता फॉर्म जो है वो भरकर अपने फैमिली मेंबर का नाम जुड़वा सकते हैं, या फिर जो है अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी प्रकार की गलती है, तो वो जो है यहाँ पे सुधार करवा सकते हैं। तो अभी जो है आप लोग RTPS काउंटर से सुधार करवा सकते हैं। सुधार करवाने के लिए आपको जो कौन सा फॉर्म यहाँ पे देना होगा मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरे पास पात्रता ख है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पात्रता ख मेरे पास है। तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करके आपके RTPS काउंटर, आपके ब्लॉक के RTPS काउंटर पे आपको जमा करना होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आपका नाम सुधार कर दिया जाएगा। इस फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है ये फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है इस फॉर्म को आपको भर लेना है। आपको फॉर्म भरने की पूरी जानकारी जो है इसी PDF में मिल जाएगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नए राशन कार्ड का और जो है राशन कार्ड में नाम संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटाने के लिए जो है यहाँ पे सारा चीज बताया गया, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होने वाला है। उसके लिए मैं जो है थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका आवेदन होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप नाम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे क्या क्या देना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आवेदन पात्रता विभागीय पात्रता खो, जो कि मैंने आपको जो ऊपर प्रोवाइड करवा दिया है, उसे आपको जो प्रिंट आउट कर लेना है। जिस व्यक्ति जिसका नाम जोड़ा जाना है आधार कार्ड की छाया प्रति उसकी लगानी होगी, यानी उसका आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगाना होगा। विभागीय आवेदन पात्रता खो के क्रमांक संख्या 8 और 9 के संबंध में लागूकरण के प्रमाण पत्र की छाया
प्रतीत यथा निवास में परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र, यहाँ पे जो आपको आवासीय प्रमाण पत्र लगाना होगा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। राशन कार्ड में विनित अशुद्धियां जिनको शुद्ध किया जाना है के लिए सरकारी प्रमाण पत्र, सरकारी विद्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि। अब दोस्तों यहाँ पे बता दें, ये जो बताया गया कि राशन कार्ड में जो शुद्धियां, अगर यहाँ पे जो जैसे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो नाम में गलती होता है, तो उसके नाम के लिए आपको यहाँ पे लगाना होगा कि आपका शुद्ध नाम क्या है, उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट वहां पे देना होगा, तभी जो है उसी के मुताबिक आपका नाम सुधार किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ सुधार करना है तो वो भी आपको यहाँ पे सारा चीज के लिए आपको जो है एक आपको वहां पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाना होगा, तभी आप जो है यहाँ पे सुधार करवा सकते हैं। तो अभी जो है सभी ब्लॉक के सभी आरटीपीएस काउंटर को ओपन कर दिया गया है, जिसमें कि आपको जाकर आवेदन करना है, जिससे कि आपका जो है यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का नाम जुड़ जाएगा। अगर आपका जो है नाम नहीं जुड़ा है या फिर किसी भी प्रकार का त्रुटि है आपके राशन कार्ड में, तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे यहाँ पे मैसेज किया था कि सर मैंने जो है जीविका के द्वारा राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, हमारा जो है राशन कार्ड नहीं बना है, हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। साथ में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बताया था कि सर हम जो है अपना नया राशन कार्ड के लिए आवेदन देना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पहले जो है अभी एक या दो मंथ पहले जो यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा था वो जो है जीविका के द्वारा आवेदन लिया जा रहा था राशन कार्ड का, लेकिन अभी जो है जीविका के द्वारा राशन कार्ड का आवेदन लेना बंद कर दिया गया है। अभी आप जो जीविका के द्वारा राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते, अभी जो है आपका आरटीपीएस काउंटर ओपन कर दिया गया है। आपको राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको जो है ऑफलाइन यहाँ पे करना होगा, आपको जो है अपने आरटीपीएस आपके ब्लॉक में जाना है जहां पे आपको आरटीपीएस काउंटर है, वहां पर जाकर आपको फॉर्म भरकर डालना होगा, जिससे कि आपका जो है यहाँ पे राशन कार्ड बन पाए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरना है वो पात्रता क होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार से जो है ये फॉर्म होगा। इस फॉर्म का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस फॉर्म को आपको भर लेना है। यहाँ पे आपको एक जो है शपथ पत्र मिलेगा, इस शपथ पत्र को भी भर लेना है। अब डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगाना है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो ये फॉर्म भर लेना है, इस फॉर्म को भरकर अपने आरटीपीएस काउंटर पे जाना है। आरटीपीएस काउंटर पे जाने के बाद आपको जो वहाँ पे फॉर्म जमा करना होगा। यहाँ पे आपको क्या क्या लगने वाला है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बताया गया आवेदन पत्र, विभागीय पत्रता को जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, आधार कार्ड का छाया प्रति आपको देना होगा, जितना भी परिवार का मेंबर का नाम वहाँ पे जोड़ना चाहते, जैसे आप चार या पांच परिवार हैं तो आपको जो यहाँ पे सभी लोगों का यहाँ पे आधार कार्ड का छाया प्रति होना चाहिए, यानी फोटोकॉपी उसका होना चाहिए। उसके बाद बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, यहाँ पे जो बैंक खाता लगने वाला है दोस्तों वो है जो यहाँ पे परिवार का जो मुखिया होगा उसका जो है बैंक खाता का प्रथम जो पेज होता है, पहला पेज जो होता है उसका फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। साथ में आवासीय प्रमाण पत्र आपको लगाना है, विभागीय आवेदन पत्रता को के क्रमांक 10 अथवा 11 जो लागू हो के संबंध में शपथ पत्र, यहाँ पे जो आपको शपथ पत्र भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शपथ पत्र भी आपको यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे आपको जो है ये शपथ पत्र भी आपको लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो है संपूर्ण परिवार का तीन फोटो, तीन जो है रंगीन में आपको फोटो यहाँ पे लेकर जाना है, सभी परिवार में जितने फैमिली मेंबर हैं सभी का वहाँ पे जो है आपका फोटो रहेगा, सभी एक साथ में यहाँ पे आपको जो तीन फोटो लेकर जाना है। उसके बाद ये से आपको जो है भरकर इस फॉर्म को अपने आरटीपीएस काउंटर पे जमा करना है, जिससे कि आपका नया राशन कार्ड बन जाए। दोस्तों आपको बता दें कि जीविका के द्वारा अभी जो है राशन कार्ड आवेदन बंद कर दिया गया है, अभी जो है सिर्फ आरटीपीएस के द्वारा यहाँ पे राशन कार्ड आवेदन हो रहा है, साथ में सुधार भी हो रहा है, जो कि आप अभी सुधार करवा सकते हैं क्योंकि बिहार सरकार ने इसी के लिए अभी जो है इसे ओपन किया है। तो ये जो है ऑफिशियल न्यूज यहाँ पे जारी किया गया था कि आप जो है आरटीपीएस काउंटर से सुधार भी करवा सकते हैं और नए राशन कार्ड के लिए आवेदन भी करवा सकते हैं, इसीलिए मैंने जो है आपको यहाँ पे सारा जानकारी दिया था। तो इस प्रकार से आप जो है नए राशन कार्ड में सुधार करवा सकते हैं, इस प्रकार से आप जो है नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। दोनों पीडीएफ आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप दोनों पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट करके आप जो है यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।